गुजरात में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण आज। दूसरी बार संभालेंगे गुजरात की कमान। जानिए शपथ ग्रहण में कौन कौन होगा शामिल। गुजरात में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी आज से एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। शपथ ग्रहण होगा, भूपेंद्र पर दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधीनगर नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ 17 मंत्री भी शपथ लेंगे। वहीं पूर्ववर्ती सरकार के 8 मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। आपको बता दें ये लगातार 7वीं बार है जब गुजरात में बीजेपी सरकार बना रही है। ये सिलसिला 1995 में शुरू हुआ था जो 2022 में भी कायम है। शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीती रात ही गुजरात पहुंच गए थे। यहां पहुंचते ही उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो भी किया। अहमदाबाद में जैसे ही उनका काफिला सड़क पर निकला, लोग उन्हें देखने के लिए किनारों पर खड़े हो गए। देर रात भी लोगों में अलग तरह का उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पीएम मोदी का ये लेट नाइट रोड शो भी हिट साबित हुआ। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के 12 से ज्यादा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, बाबूलाल मरांडी, जयसुदेव मेर, प्रेम सिंह तोमर के नाम शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश में है कि उसे गुजरात में जितना बड़ा जनादेश मिला है उतना ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। खास बात यह है कि बीजेपी की इस प्रचंड जीत में सभी जातियों का योगदान रहा है। ऐसे में पार्टी अब मंत्रालय बांटते समय भी उन्हीं समीकरणों को दुरुस्त रखना चाहती है। आदिवासी नेता, एससी समाज, पाटीदार, ओबीसी पर खासा फोकस देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं जातियों को ध्यान में रखते हुए सभी नेताओं को अपने अपने मंत्रालय दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 से 2 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें पायल कुकरानी या फिर मनीषा वकील का नाम चर्चा में है। सौराष्ट्र से पहली बार चुनाव लड़ने और जीतने वाले 3 से 4 विधायकों को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहरहाल गुजरात चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। ये राज्य में किसी राजनीतिक दल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कांग्रेस 17 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी के हाथ महज 5 सीटें ही लगी हैं, अन्य को 4 सीटें मिली हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।